जब कोई भी सिंसियर इंसान, वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी सिंसियर इंसान ठीक से रमज़ान गुजारता है तो उसको दो नेमतें मिलती हैं। एक तो ये कि जब वाकई कोई इंसान अपने अंदर ईमानदारी से झांकने की कोशिश करता है तो उसको अपनी कुछ गलतियों का एहसास होता है, क्या क्या मिस कर रहा हूँ मैं, क्या मुझ में कमियाँ हैं, क्या मैं अपनी आँखों का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, लंबी लिस्ट होती है। जो इंसान दयानतदारी के साथ ऑनेस्टली अपने अंदर झांक कर देख लेता है वो अपनी गलतियों को खुद पकड़ लेता है कि ये कमियां मेरे अंदर हैं, और अपने इंसान खुद अपने आप को जितना पहचानता है उतना दुनिया में कोई उसको नहीं पहचानता। ये अलग बात है कि वो डिनाई करता है और फाल्स एक्सक्यूज़ ढूंढता है, लेकिन अगर इंसान सिंसियरली अपने को इम्प्रूव करने का फैसला कर ले तो किसी इंसान से खुद उसकी अपनी बुराइयां छुपी नहीं रह सकती, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं जो भी हर इंसान में होती हैं, और ज़्यादा नहीं होती, ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात है, दो ही चार होती हैं, बाकी बहुत खूबियां होती हैं हर एक के अंदर, लेकिन दो चार गलत हरकतों या कमियों की वजह से हमारी इंसानी तरक्की रुकी हुई होती है। जैसे आप मेडिकल साइंस में देखते हैं कि एक बीमारी काफ़ी है इंसान की सेहत को ख़राब करने के लिए, क्या उसको पांच बीमारियां ज़रूरी हैं, दस बीमारियां ज़रूरी? उसी तरह रूहानी तौर पर भी इंसान को बैंक्रप्ट बना देने के लिए उसकी एक बीमारी काफ़ी है, एक रूहानी बीमारी काफ़ी है। तो अगर कोई इंसान अपना सही जायज़ा ले तो एक फ़ायदा ये होता है कि उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, फिर वो रिपेंट करता है, माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, और इसी के नतीजे में फिर क्या होता है, फिर रमज़ान उसको मग़फ़िरत देकर जाता है। ये मतलब उसका, किसको मग़फ़िरत मिलेगी, जो अपनी गलतियों को फाइंड आउट कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा और फिर उन गलतियों पर माफ़ी मांगेगा, शर्मिंदा होगा, लेकिन वो वही तो करेगा जो अपने झांक कर देखेगा, जो जायज़ा लेगा। दूसरा एक फ़ायदा ये होता है पिछली गलतियों की माफ़ी के अलावा कि आइंदा ज़िंदगी में उन गलतियों से वो बच जाता है, और उसी का नाम है तक्वा। पिछली गलतियां माफ़, आइंदा ज़िंदगी में उन गलतियों को दोहराने से हिफाजत। तो जब रमज़ान से निकलता है एक ईमान वाला और एक ईमान वाली तो एक नई ज़िंदगी उसकी होती है जिसमें पिछली गलतियाँ माफ़ हो चुकी होती हैं, उसका दिल की स्लेट साफ़ हो चुकी होती है, उसका अकाउंट क्लियर हो चुके होते हैं, और अब वो नई ज़िंदगी जो शुरू करता है रमज़ान के बाद तो दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराता, वो उसके लिए बचना आसान होता है, केयरफुल ज़िंदगी होती है उसकी, वॉचफुल ज़िंदगी होती है, वो बहुत नज़र रखता है कि मैं पहले वो करता था अब मुझे नहीं करना, मैं अब रमज़ान के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगा। तो ये एक इनाम है मेरे मालिक का, हम सब के मालिक का, कि उसने ऐसे बहुत से मौके दिए हैं। ये रोज़ाना तहज्जुद का जो वक्त होता है वो भी एक 24 घंटे में ऐसे ही वक्त है, अपने जायज़े का, अपनी दिल से धब्बों को धोने का। इसी तरह हफ्ते में जुमे का दिन, वो भी इसी मकसद से दिया जाता है। फिर साल में रमज़ान और ज़िंदगी में हज, ये सब मौके हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला इस बात को खूब जानते हैं अपने बंदों और बंदियों की इस नफ्सियात को कि उनको अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए किसी टर्निंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसा मौका उनकी ज़िंदगी में आया जिसमें वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा अलग अपने अंदर झांक कर देखें। ये मौका अल्लाह ताला देते हैं और ये रमज़ान दरअसल उसी का मौका है।